जैसे कि जानते हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो इमरान खान के लिए उमंड गई है, और आवाम जो है कराची की आवाम, क्या पूरे मुल्क की आवाम खान साहब के पीछे साथ खड़ी है, तो रिस्पॉन्स तो ऑब्वियसली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है आवाम की तरफ से। अल्लाह ना करे इनकी वजह से तमाचा तो जब होगा जब ये आवाम के नुमाइंदे होंगे, आवाम के नुमाइंदे ही नहीं है ये। और आप देखें सेलेक्टेड, उन्होंने एक बयानिया बनाया था इमरान खान के खिलाफ सेलेक्टेड, लेकिन आवाम को और लोगों को ये भी पता चल गया कि सेलेक्टेड कौन है, किसे कहते हैं सेलेक्टेड। तो बस ये है कि वो तो अपने ही उल्लू सीधे करने आए थे, जैसे कि आपको पता है कि नवाज़ शरीफ को एक इन्होंने सिफारती पासपोर्ट दे दिया है, तो ये क्या ये अपने लोगों को नवाजने आए हुए थे और वो नवाज रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब इनका काम पूरा, इनका टाइम पूरा हो चुका है और ये अब मेरे वापस आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, आखिरी सांस कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये वही है इनका आखिरी बिल्कुल दम है और आखिरी वही झटके हैं जो चल रहे हैं, और ये कि अब बस ये राह फरार इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह सारे, और वो बहुत जल्द आपको नज़र आएगा। जैसे कि अभी आपने एक देखा राना सनाउल्लाह की सूरत में एक नमूना आपने देखा, अभी आपको आगे भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही नज़र आएंगे, सब भागेंगे यहाँ से इंशाल्लाह ताला। इनका काम है इनको भागने ना दें, कराची की आवाम को यही पैगाम देंगे कि अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट करें और उसका साथ दें और हक का साथ दें, और ये इमरान खान जो है अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए खड़ा है, कराची की आवाम पाकिस्तान के लिए खड़ा है, पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा है। तो बस यही पैगाम दूंगा मैं कि लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करें। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमरान खान का सपोर्ट कराची के लोगों ने पिछली बार भी किया, 2013 में भी किया, 2018 में भी किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये कि और मज़ीद, मैं तो समझता हूँ कि और मज़ीद ये हमारी जो मकबूलियत है खान साहब की और पीटीआई की उसमें इजाफा हुआ है।